पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास द्वारा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी पर भूमाफिया लिखकर ट्वीट करना भारी पड़ गया। सचिन चौधरी ने कवि कुमार विश्वास पर 2 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अप्रैल 2020 में कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सचिन चौधरी के लिए लिखा था कि कांग्रेस ने एक भूमाफिया को प्रदेश सचिव बनाया है, जिसका पता उन्हें अपने परिचितों से लगा, जिस ट्वीट के कारण उन्हें काफी मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंची। काफी समय से उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक था, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाए। 1 साल बाद उन्होंने दिल्ली न्यायालय में 2 करोड़ की मानहानि का वाद दायर किया है और कुमार विश्वास को नोटिस अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रेषित करवाया गया है। उनका कहना है कि जब तक कोई न्यायालय या प्रशासन किसी व्यक्ति को भूमाफिया घोषित न करे, तब तक किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दों से बोलना अपराध कहलाता है। इसीलिए उन्होंने कवि कुमार विश्वास के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया है। हिंदी कवि हैं बड़े प्रसिद्ध कुमार विश्वास जी, ये उनके लिए एक प्रेस हमने रखी है। उन्होंने 13 अप्रैल 2020 को रात 10 बजे एक ट्वीट किया था। जब मैं जेल में था, सरकार ने एक झूठा मुकदमा मुझ पर लगा दिया था, तो मैं जेल चला गया था। तो उस टाइम इन्होंने एक ट्वीट किया था और मेरे बारे में बड़ा उल्टा सीधा अपने वेरीफाइड हैंडल से मुझे लिखा, मेरे बारे में भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल हुआ, जबकि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई भूमाफिया होने का सरकार से कोई सर्टिफिकेट या कोर्ट द्वारा कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई कि मैं भूमाफिया हूँ। उसके बावजूद भी मेरे नाम को ख़राब किया गया, मेरी मानहानि हुई। मन बड़ा पीड़ित है कि एक शख्स को अपनी इज्जत बनाने में, नाम कमाने में एक अरसा लग जाता है और एक इस तरह के लोग जो सिर्फ अपनी TRP के लिए, एक छोटी सी TRP लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में हमने एक नोटिस जारी किया है कुमार विश्वास जी को मानहानि का। ये वो नोटिस है, इसकी कॉपी मैं आप सबको दे दूंगा, जिसमें 2 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए हमने डेफिमेशन का केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है। आप किसी को भी भूमाफिया नहीं कह सकते, किसी को गैंगस्टर नहीं कह सकते, किसी को अपराधी नहीं कह सकते, जब तक माननीय न्यायालय द्वारा वो चीज़ साबित ना हो जाए। हमारी क्षति हुई है, जब तक इनको इसमें जुर्माना नहीं दिया जाएगा, जब तक ये जुर्माना नहीं देंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं पहुंचेगी और हम ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, जब तक इनको इसमें जुर्माने के रूप में, सजा के रूप में जेल ना भेजा जाए या 2 करोड़ रुपए की राशि ये अदा ना करें, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।